अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा अपने पाम पे. कैन यू फील द फ्रेशनेस ऑन माई फेस? आपको वहाँ तक पहुँच पा रही है क्या ये फ्रेशनेस? हाई माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज शीतल एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल इंडियन सुपर मॉमी. सो गाइज, टूडे आई बी शेयरिंग विद यू माई स्किन केयर रूटीन. आजकल का इतना टेंशन भरा जो माहौल चल रहा है ना, उसमें स्किन केयर तो इट्स लाइक जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, उतने ही नियम से हमें प्रॉपर फोकस अपने स्किन केयर पे करना चाहिए. क्योंकि जो हम टेंशन लेते हैं ना इतनी, वो पूरा पूरा हमारे फेस पे उसका असर दिखता है. पहले तो क्या था, हम लोग जाके अपना एक घंटा पैम्पर धो के आ जाते थे सैलून में, अब वो भी पॉसिबल नहीं है. तो अब और ज़्यादा दिखने लगी है वो टेंशन, वो स्ट्रेस हमारे फेस पे. और इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा भी पोस्टपार्टम स्किन की जो प्रॉब्लम्स थी वही दूर नहीं हो पाई थी. अनइवन स्किन टोन और पिगमेंटेशन आ जाता है, वो नेचुरली आता है, वही दूर नहीं हो पाया था. तो और स्ट्रेस आउट थोड़ा सा और रहने लगी मैं इस पेंडेमिक की वजह से. काफ़ी चेंजेस आ गए सबकी लाइफ में, मेरे में भी आए. तो वो ही नहीं ठीक हुआ था, और टेंशन की वजह से और ज़्यादा मेरी स्किन में इश्यूज होने लगे. और उसके लिए मैं होम रेमेडीज़ कर रही हूँ. जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ होम रेमेडीज़, चाहे वो हेयर हो या स्किन. मैं कर भी रही हूँ, बट लकीली आई गॉट इन टच विद माय फ्रेंड और उसने मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बताया और मैंने काफ़ी रिसर्च की एंड देन आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट एंड आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट फर्स्टली. तो चलिए आपको भी मिलवाते हैं उन प्रोडक्ट से. और शुरू करने से पहले दो बातें क्लियर करना चाहूँगी. दिस इज़ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, नो कोलैबोरेशन. मैं न्यू यूट्यूबर हूँ तो कोलैबोरेशन का तो सवाल नहीं उठता. सेकेंड थिंग, मैं साथ में इसका प्रोडक्ट रिव्यू भी दूंगी आपको कि मुझे कैसे लगे ये प्रोडक्ट. तो चलिए लेट्स बिगिन दी वीडियो. सो गाइज, ये है प्रोडक्ट्स मार्कस पर्वे क्लियर बैलेंस स्किन केयर रेंज. मार्कस पर्वे 190 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है. और जो प्रोडक्ट्स मैं आज यूज़ करने वाली हूँ अपने क्लीनिंग में है क्लेंजर, स्कल्पिंग मास्क, टोनर, बॉडी ऑयल एंड नाइट क्रीम. ये डे क्रीम है, इसको मैं आज यूज़ नहीं करूँगी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, सो जिस ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है मार्कस पर्वे. ये 190 साल पुराना ब्रांड है गाइस. दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो मुझे अट्रैक्ट करी इस ब्रांड के बारे में कि इतना पुराना ब्रांड है अगर, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ खास बात तो ज़रूर होगी. एंड जो सेकंड थिंग मुझे अट्रैक्ट करी वो ये कि ये परफ्यूम में पायनियर हैं और सिर्फ स्किन केयर और परफ्यूम में ही डील करते हैं. तो इनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है. तो मुझे लगता है ये जब फोकस्ड हैं किसी एक दो चीज़ों पे, तो ये बहुत अच्छे से उसमें हमें दे भी पा रहे होंगे वो चीज़ें जो ये क्लेम कर रहे हैं. ठीक है, अब एक और चीज़ मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी वो ये, दे वर दी ऑफिशियल परफ्यूमर ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड. कैन यू इमेजिन, अगर ये ब्रांड इतनी बड़ी क्वीन को कुछ प्रोडक्ट्स दे रहा है अपनी कंपनी के, तो इसके बाकी प्रोडक्ट्स भी डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ एसेंस ज़रूर लेके आएंगे. लास्ट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस ब्रांड में अट्रैक्ट करी, जो मेरा फेवरेट पार्ट है, कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, जिसकी मैं फ़ैन हूँ. इनके सारे प्रोडक्ट्स में सैफ्रन इन्फ्यूज़ किया गया है, मीन्स रियल सैफ्रन की फ्रेग्रेंस मुझे हर प्रोडक्ट में फील होती है जब भी मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हाई बोटैनिक प्रोडक्ट्स हैं सारे. इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं रिकवरी का. जो होम रेमेडीज़ में हमें थोड़ा सा लॉन्ग टाइम प्रोसेस लगता है, तो वो चीज़ वो लैकिनाज इन्होंने बिल्कुल हटा दिए हाई बोटैनिक करके इनके प्रोडक्ट्स को. तो ये कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी. तो आइए 1-to-1 हम इस स्किन केयर रेंज, स्किन केयर रूटीन का साथ में डिस्कस करते करते मैं प्रोडक्ट के भी आपको बेनिफिट्स बताती जाऊँगी. ऑल राइट गाइज, तो मैंने अपना मेकअप रिमूव कर लिया है और चेंज कर लिया है मैंने. सबसे पहले स्किन केयर में हम सब जानते हैं क्लीनिंग की ज़रूरत होती है. चलिए क्लेंजर से शुरुआत करते हैं. दिस इज़ दी क्लियर बैलेंस फेशियल क्लेंजर. ये प्योरीफाई करता है, डीप क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड जेंटली एक्सफोलिएट भी करता है स्किन को. लुक एट दी पैकेजिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी ये पैकेजिंग. बिल्कुल गोल्ड लाइक पैकेजिंग है, मीन्स वो आपको लग्जूरियस वाली पैम्पर्ड फीलिंग पैकेजिंग देख के ही आ जाती है. फर्स्टली ये इस तरीके का एक प्रोडक्ट्स है. ऑल प्रोडक्ट्स आर गोल्ड लाइक कलर्स, क्योंकि ये इस तरीके से आई गेस ये बताना चाह रहे हैं कि ऑल प्रोडक्ट्स आर सैफ्रन इन्फ्यूज्ड और हर प्रोडक्ट में येलोइश सा कलर है और साथ में सैफ्रन की खूबसूरत सी इतनी अच्छी महक भी है. आप फील करेंगे जब आप यूज़ करेंगे. अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा अपने पाम पे. लुक एट द कलर, द येल्लो वन. थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर डिप किया है. मैंने इसको अपने पाम में लेके इस तरीके से
इनके क्लेंजर में ही आपको एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, तो ये अलग से स्क्रब प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसी में ही आपकी स्क्रबिंग एक तरीके से हो जाती है, और जो बची हुई स्क्रबिंग है वो मास्क से हो जाती है। तो जहाँ पे स्पेशली आपका टी जोन है ना, जहाँ पे आपके ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, यूजुअली मेरे टी जोन पे ही होते हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके रब कर लेती हूँ। अपने पोर्स का ही यूज़ करना है हमको। बस एक चीज़ मुझे इस क्लेंजर में लगी कि लेदर बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रीज़न है कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो इतना लेदर नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट जो क्लीन होता है इसको वॉश करने के बाद वो तो अमेजिंग होता है। आप एक मिनट तक हम इसको रखेंगे एंड देन आई विल वॉश इट। सो क्लीनिंग इज़ डन। कैन यू फील द फ्रेशनेस ऑन माई फेस? आपको वहाँ तक पहुँच पा रही है क्या ये फ्रेशनेस? शाइन अभी से दिखने लगी है, सिर्फ क्लेंजर यूज़ किया है मैंने। यूजुअल डेज में मैं क्लीनिंग के बाद टोनर यूज़ करती हूँ, पर वीक में 2 times मैं इनका स्कल्पिंग मास्क यूज़ करती हूँ, तो आज मैं मास्क वाला रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है इनका क्लियर बैलेंस फेस स्कल्पिंग मास्क। अगेन द पैकेजिंग इज सुपर, इस तरीके से आता है ये। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स आपसे डिस्कस करती हूँ। इसमें क्यूकम्बर है, बाले एक्सट्रैक्ट है, सी वुड है जो कि डार्क स्पॉट को रिमूव करता है, और शुगर स्कॉलिन है, और सैफ्रन तो कूट कूट के भरा है सारे प्रोडक्ट्स में। और ये कंपनी बोलती है कि ये इनका हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि इस मास्क में जो है एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज़ भी साथ में हैं, और इसको यूज़ करने के बाद आपको इंस्टेंट एक फ्रेशनेस और ग्लोइंग इफेक्ट आपको नज़र आता है, ऐसा ये बोलते हैं, और ऐसा मुझे लगा भी। अभी आप भी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप अपना फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आई हैव अप्लाइड मास्क। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि मेरी स्किन तो सुपर सेंसिटिव है, और ये ब्रांड जो है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ये ऑल स्किन टाइप्स को सूट करते हैं। मीन्स ये तो बहुत ही बेस्ट पार्ट हो गया कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी ऑयली है या मेरी ड्राई है या मेरी कॉम्बिनेशन है, मैं कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँ। इफ़ इट इज़ ऑफ मार्कस पर्वे, तो आपकी कैसी भी स्किन टाइप हो, आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें कम से कम 20 मिनट्स तक रखना है, और जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक, उसके बाद हम इसको रब कर करके रिमूव करेंगे। ओके, सो 20 मिनट्स आर डन, और मेरा पैक ड्राई हो गया है। अब मैं इसको रिमूव करूँगी, थोड़ा सा वाटर में डिप कर लिया है मैंने अपने हाथ को, और ऐसे ऐसे करके। बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होंगे हम अपनी स्किन के साथ, जस्ट टैप का ही, फिंगर्स का ही, लाइट फिंगर्स का यूज़ करके, और अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड नहीं आना है, उससे रिंकल्स होते हैं। स्क्रब कर लिया है मैंने इसको, अब मैं पैक हटा देती हूँ। ओके, सो आई वॉश्ड माई फेस क्लीन करने के बाद, और अब ये देखिए आप मेरा फेस। कैन यू सी द इंस्टेंट ग्लो जो ये कंपनी क्लेम कर रही थी? बहुत अच्छे लगते हैं मुझे वो प्रोडक्ट्स जो जैसा बोलते हैं ना वो वैसा देते हैं। अच्छा, आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैंने कुछ लगाया है, तो जस्ट अ कॉटन टेस्ट आपको करके दिखा रही हूँ। सी, नथिंग। अभी इनफैक्ट मैंने टोन भी नहीं किया है इसको, क्योंकि हमें मास्क लगाने के बाद तुरंत टोन करना चाहिए अपनी स्किन को, क्योंकि पोर्स बिल्कुल खुल जाते हैं और मास्क से बिल्कुल अंदर तक क्लीनिंग हो जाती है, तो पोर्स को टाइटन और स्किन को टाइटन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए नेक्स्ट प्रोडक्ट आ रहा है इनका, क्लियर बैलेंस अल्कोहल फ्री फेशियल टोनर। अल्कोहल फ्री है, और इसमें एक सूदिंग सा इफेक्ट आता है, कूलिंग सा इफेक्ट। मीन्स आप जैसे थके होते हैं बहुत ज़्यादा ना, कुछ ठंडा पीने को मिल जाए ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है ना, सेम वही फीलिंग जब ये टोनर मैं यूज़ करती हूँ ना, एक कूलिंग इफेक्ट आता है फेस पे एकदम से, और बहुत स्ट्रॉन्ग मिंट वाली वैसी भी फीलिंग नहीं होती, और बहुत माइल्ड सी कूलिंग सी मुझे फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। टोनर को हमें इस तरीके से लेना चाहिए पाम पे। अगेन इसका कलर भी येलो है, और ऐसे ऐसे करके पूरी स्किन पे। दो फायदे होते हैं, एक तो पोर्स क्लोज हो जाते हैं, और बिल्कुल एक्स लेयर तक जाके ये आपकी जो भी स्किन की इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करता है टोनर। स्किन देखिए, इट इज़ गेटिंग बेटर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इट इज़ गेटिंग बेटर। तो आप सोचिए हर यूज़ के बाद मुझे कैसा लगता होगा इन प्रोडक्ट्स को डेली यूज़ करके।
इट्स डन। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने, अच्छा इनकी इस कंपनी की, इस ब्रांड की बहुत खास बात है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स थोड़े से हाई एंड हैं, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में से आते हैं, तो इन्होंने एक सैम्पल रेंज भी प्रोवाइड की हुई है सो दैट यू कैन हैव द फील ऑफ द प्रोडक्ट कि कैसा है, बट उससे आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको मालूम चल जाएगी प्रोडक्ट की एक्चुअल प्रोडक्ट है क्या। विजिबल रिजल्ट्स के लिए आपको कम से कम 30 डेज तक ये पूरा यूज़ करना चाहिए आइडियली, तभी इसका रिजल्ट आपको प्रॉपर मिलेगा। तो उसी सैंपल में ये ऑयल निकला था, बॉडी ऑयल है ये, नाइल एसेंशियल नेचुरल ऑयल से मिलके बॉडी ऑयल बना है। दिस कंपनी सेज कि आप इसको हेयर पे लगाओ, फेस पे लगाओ, बॉडी पे लगाओ, आपकी क्रैक हील्ड है उस पे लगाओ, आपके हैंड ड्राई हैं उस पे लगाओ, कैसे भी यूज़ करो इसको और ये हर तरीके से बेनिफिशियल होगा। ये अभी मेरे डार्क सर्कल्स कितने कम हो चुके हैं और मुझे लगता है इस ऑयल ने काफ़ी हेल्प किया। तो मैं क्या करती हूँ, आफ्टर टोनिंग एवरी डे, जब से मैं यूज़ करना स्टार्ट की है, एवरी डे मैं इसको ऑयल को ज़रूर यूज़ कर रही हूँ, स्पेशली ऑन माय डार्क सर्कल्स। बहुत सूदिंग सा मुझे फील हो रहा है, काफ़ी मीन्स वो पैम्पर्ड फीलिंग आ रही है। लास्ट आ जाते हैं नाइट क्रीम पे, सेम वैसी ही पैकेजिंग में आई है और बहुत सुंदर इसकी ये टब है। ये भी सैफ्रन इन्फ्यूज है, सूटेबल टू ऑल स्किन टाइप्स। एक चीज़ और बताना चाहूँगी अपने स्किन केयर रूटीन में गाइज, नाइट क्रीम और डे क्रीम को सेपरेट ही रखा करो, ऐसा नहीं कि कॉमन मॉइस्चराइजर ले लिया और उसे नाइट में भी लगा रहे हैं डे में भी। इट इज़ बेटर कि आप नाइट क्रीम लीजिए नाइट में, क्योंकि उसमें कुछ अलग से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं जो कि नाइट में रिपेयर करते हैं आपकी स्किन को, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। इसको मैंने ले लिया है, नाउ आई एम अप्लाइंग इट ऑन माय होल फेस। बस इसके बाद आप देखना मेरी स्किन। तो ऑलमोस्ट मेरा स्किन केयर रूटीन डन हो गया है, एक चीज़ बची है फिलहाल। आप शाइन देखो, मतलब यू कैन सी दी शाइन बट आई कॉन्ट फील दी ऑयल ऑन माई स्किन। लास्टली जो कि इस ब्रांड का नहीं है, मैं रात में ज़रूर लिप बाम लगाती हूँ, आई बिन यूजिंग इट फॉर ईयर्स, मतलब इसके बिना, लिप बाम के बिना मैं नहीं सो पाती क्योंकि लिप बहुत ड्राई हो जाते हैं नाइट में। स्किन रेडी है रिपेयर होने के लिए एंड इट इज़ एक्चुअली बीइंग रिपेयर्ड। इतनी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, 20 डेज हो गए अप्रॉक्स, और मुझे लगता है काफ़ी रिपेयर हो चुकी है मेरी स्किन, और अभी तो मैं थ्रू आउट इसे यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं। अब कुछ बातें कर लेते हैं। प्राइस की बात अगर मैं करूँ तो जो इनके क्लेंजर और टोनर है वो 500 और समथिंग के हैं, और जो इनका स्कल्पिंग मास्क है और डे क्रीम और नाइट क्रीम है वो 1500 अप्रॉक्स की है। येस इट इज़ बिट प्राइसी, क्योंकि मैंने बोला था इट इज़ अ लग्जूरियस पैम्परिंग जो मैं दे रही हूँ अपने आप को, पर क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट इतने पसंद आए थे तो मैंने समहाउ आई गॉट इन टच विद द एम्प्लॉय ऑफ मार्कस पर्वे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी एंड देन दे सॉ माय वीडियो, मे बी उनको अच्छा लगा होगा, और गेस व्हाट, दे वर रेडी फॉर द डिस्काउंट थिंग। येस यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक है और सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी आपको दिखेंगे, आप प्रोडक्ट्स देख सकते हो और उसमें आप 17% का डिस्काउंट आप ले सकते हो। तो ये थी आपके लिए गुड न्यूज़ वीडियो के एंड में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे काफ़ी पसंद आया अपना स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करके, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ज़रूर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, मेरी फुल रिकमेंडेशन है इस प्रोडक्ट्स के लिए। ये आपको किसी और ऑनलाइन साइट्स पे नहीं मिलेंगे, यू हैव टू गो टू द लिंक ओनली जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट बाय कर पाएंगे, और पढ़िए गूगल पे, सब कुछ सामने है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गो फॉर इट, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे गिव इट अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की, मुझे किसी भी तरह 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।